Afternoon students, so today our topic which is under discussion, it remains migration velocity of ions and change in concentration. It is also known as Hittorf's theoretical device. So this topic is from the chapter electrochemistry which is mentioned in BSc second year physical chemistry book. So before discussing this chapter, you should know that what is migration of ions. So आपको पता होना चाहिए कि migration of ions क्या होता है. अगर आप electrochemistry starting से पढ़ रहे हो तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि जो electrolyte होता है उसमें positive और negatively charged particles होते हैं, और जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं उसको केटाइंस कहते हैं, और जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं उसको एनाइंस कहते हैं. सो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर करंट अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, जो वो आयंस होते हैं, जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, वो नेगेटिवली चार्ज जो इलेक्ट्रोड होती है उसकी साइड मूव होते हैं, और जो पॉजिटिवली जो नेगेटिवली चार्ज आयंस होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ मूव होते हैं. सो इस मूवमेंट ऑफ आयंस को कहते हैं माइग्रेशन ऑफ आयंस. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल दे स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड व्हिच इज नोन एज कैथोड. सो दैट्स व्हाई जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं उसको केटाइंस कहते हैं. And negatively charged particle, they started moving toward positive electrode, which is known as anode. So negatively charged particles को anions कहते हैं. So ये topic है migration of ions. ये सबको इसका जो basic idea है वो पता होना चाहिए. इसके बाद आज हम study कर रहे हैं Hittorf's theoretical device. So ये device basically इसलिए आया है कि माइग्रेशन वेलोसिटी ऑफ आइंस क्या होती है एंड चेंज इन कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है माइग्रेशन वेलोसिटी ऑफ आइंस के ऊपर. सो इसके लिए क्या किया हुआ है, इसके लिए एक एक कंप्लीट सिस्टम बनाया हुआ है जिसमें जो ये लेफ्ट हैंड साइड है इसको ए का नाम दिया है और राइट हैंड साइड वाले को सी का. इसके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज्ड है, इट मींस ये क्या है, अनोन. एंड राइट हैंड साइड वाले के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इट मींस वो क्या है, कैथोड. इसकी वजह से इसका नेम पड़ गया एनोडिक कंपार्टमेंट एंड दैट इज कैथोडिक कंपार्टमेंट. एंड जो ये सेंटर में है इसको बोलते हैं सेंट्रल कंपार्टमेंट. एंड इसके बाद जो ये सेंट्रल वाली पार्टीशन है इसके ऊपर ये डॉटेड लाइन से जो शो किया हुआ है इसको बोलते हैं पोरस पार्टीशन. सिमिलरली सेंट्रल कंपार्टमेंट और एनोडिक के बीच में भी एक पार्टीशन शो की हुई है जिसको बोलते हैं पोरस पार्टीशन. इसको ए से रिप्रेजेंट किया है, उसको सी से. सो ये हमारा सेटअप है Hittorf's के अकॉर्डिंग. इट इज जस्ट अ थ्योरेटिकल डिवाइस, इसका कोई प्रैक्टिकल या एक्सपेरिमेंटल सिग्निफिकेंस नहीं है. सो इसमें क्या किया हुआ है, टोटल 13 पेयर्स ऑफ आइंस लिए हुए हैं. 4 पेयर्स हैं एनोडिक कंपार्टमेंट की साइड, एंड जो 4 पेयर्स हैं वो है कैथोडिक कंपार्टमेंट की साइड, और जो सेंट्रल कंपार्टमेंट है उसमें 1, 2, 3, 4 एंड 5 पेयर्स ऑफ आइंस लिए हुए हैं. सो इनिशियली स्टेट है 4 पेयर्स, 5 पेयर्स एंड 4 पेयर्स. एंड इसके बाद अलग अलग केसेस कंसीडर किए गए हैं, केस 1, केस 2, केस 3. ये अभी हमने करना है. ये मैंने स्टार्टिंग से सबकी सेम सिचुएशन ड्रॉ की हुई है, बट एक्चुअल में सेम सिचुएशन नहीं होगी. जो फर्स्ट केस है वो क्या है, फर्स्ट केस में दिया हुआ है व्हेन ओनली एनाइंस मूव. ओके, सो व्हाट इज द केस, फर्स्ट केस क्या है, व्हेन ओनली anions move. So what are anions? Anions are negatively charged particle. So anion का जो movement है वो कहाँ से कहाँ होगा? Anions है ये negative charged particles, और cations है ये positively charged particle. और जो anions है
वो मूव कहाँ से होएंगे? एनायंस की मूवमेंट होएगी कैथोडिक कंपार्टमेंट से एनोडिक कंपार्टमेंट की साइड। व्हाई इट इज सो? बिकॉज जो एनायंस है उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है एंड दे स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स दिस पॉजिटिव टर्मिनल विच इज नॉन एज एनोड। सो जब एनायंस की मूवमेंट होएगी वो कैथोड कंपार्टमेंट से एनोडिक कंपार्टमेंट की तरफ आएंगे। सो अगर हम अज्यूम कर रहे हैं कि टू एनायंस की मूवमेंट हो रही है, देन क्या होगा? व्हेन टू एनायंस मूव, सो यहां से दो एनायन मूव होके इस साइड आएंगे। किस साइड आएंगे? एनायंस इस साइड मूव होके आएंगे। सो इधर टोटल एनायंस कितने थे? पहले कितने थे? 1, 2, 3, 4। अब उधर से दो मूव होके आ गए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? So, इस साइड टोटल एनायन कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। उस साइड कितने रह गए? 2। सो इस केस में क्या होएगा? द नंबर ऑफ लिबरेटेड आयंस, नंबर ऑफ लिबरेटेड आयंस कितने होंगे? 2 एनोडिक कंपार्टमेंट की साइड एंड 2 कैथोडिक कंपार्टमेंट की साइड। सो इस केस में नंबर ऑफ लिबरेटेड आयंस दे रिमेन्स सेम ऑन बोथ द साइड्स, 2 on left hand side and 2 on right hand side. So liberated ions का क्या मतलब होता है? Liberated ions का मतलब होता है कि जो ions paired pairing में नहीं है, जो unpaired है और जिनका जो motion है वो freely वो move कर सकते हैं, they are known as liberated ions. So इस case में जब सिर्फ anions move हो रहे हैं और दो anions move हो रहे हैं तब number of liberated ions कितने रहेंगे? Same रहेंगे। And इसमें क्या होगा कि जो कैथोडिक कंपार्टमेंट है उसकी कंसेंट्रेशन डिक्रीज हुई। ओके, सो इसमें आप लिख सकते हो कि दी एनोडिक चैम्बर की जो कंसेंट्रेशन है उसमें फॉल होएगा कितने मॉलिक्यूल्स का? 2 मॉलिक्यूल्स का, बिकॉज 2 मॉलिक्यूल उस साइड डिक्रीज हो गए और इस साइड इनकी कंसेंट्रेशन आके डिपॉजिट हो जाएगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? So, यहां से एक और कंक्लूजन निकलेगा कि जितने आइंस उस साइड से मूव हो रहे हैं उतने ही आइंस इस साइड की हो रहे हैं डिपॉजिटेड। ओके, सो ये केस था जब सिर्फ एनायंस मूव हो रहे हैं। और सेकंड केस आपकी बुक में कंसीडर किया हुआ है व्हेन बोथ कैटायंस एंड एनायंस मूव, जब दोनों की मूवमेंट होगी कैटायंस की भी और एनायंस की भी। लेट्स सपोज दो कैटायंस मूव हो रहे हैं, दो ही एनायंस मूव हो रहे हैं, देन क्या होगा? दो एनायंस तो मूव होंगे फ्रॉम कैथोडिक कंपार्टमेंट टू एनोडिक कंपार्टमेंट। ठीक है जी, दो इस साइड आयंस आ गए उस साइड से एंड दो ही कैटायंस मूव होंगे। कैटायंस का मूवमेंट होगा फ्रॉम एनोडिक कंपार्टमेंट टू कैथोडिक कंपार्टमेंट। व्हाई इट इज सो? बिकॉज कैटायंस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है एंड इस इलेक्ट्रोड के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, सो इनमें रिपल्शन होगी और ये कैटायंस उस साइड जिधर नेगेटिव चार्ज है उस साइड मूव होंगे। सो दो कैटायंस इस साइड से रिमूव होके इस साइड जाए। ठीक है, सो इस केस में टोटल जो आयंस लिबरेटेड हैं एनोडिक कंपार्टमेंट की साइड वो कितने हैं? 4। और जो आयंस लिबरेटेड हैं टुवर्ड्स कैथोडिक कंपार्टमेंट वो भी कितने हैं? 4। सो ऑल्दो इस केस में कैटायंस और एनायंस दोनों मूव हो रहे हैं, इस केस में भी हमारा जो कंक्लूजन है कि नंबर ऑफ लिबरेटेड आयंस वो कितने हैं? सेम, कितने हैं? 4। और इस केस में जो कंसेंट्रेशन फॉल होगा वो एनोडिक वाली साइड में भी फॉल होगा और कैथोडिक कंपार्टमेंट की साइड से भी कंसेंट्रेशन फॉल होगा। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? व्हाट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन टू ऑल ऑफ यू, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। देन जो हमारा थर्ड केस है, जो ये केस था इस पे हमने क्या करवाया है? दो कैटायंस मूव करवाए हैं और दो ही एनायंस मूव करवाए हैं। इट मींस इस केस में जो कैटायन और एनायन का मोशन है वो सेम स्पीड पे या फिर सेम रेट पे मूव कर रहे हैं। ठीक है, और जो थर्ड केस है उसमें आप क्या लिखोगे?
उसमें आप लिखोगे लेट्स सपोज व्हेन के टाइम मूव एट डबल द स्पीड ऑफ एन आई। इट मींस क्या है, इसमें जो एन आई की स्पीड है और जो केटाइन की स्पीड है वो सेम नहीं है। अगर केटाइन दो मूव हो रहे हैं तो बताओ एनाइन कितने मूव होंगे। केटाइन डबल स्पीड पे मूव कर रहे हैं, अगर केटाइन टू मूव कर रहे हैं तो एनाइन वन मूव करेंगे। सो इस केस को भी हम करके देखते हैं कि क्या कंक्लूजन निकलता है इसमें। सो केटाइन कितने मूव हो रहे हैं, टू। सो टू केटाइन मूव होके किस साइड शिफ्ट होंगे, टूवर्ड्स कैथोडिक कंपार्टमेंट। एंड एनाइन कितने मूव हो रहे हैं, वन। सो वन आइन एनाइन यहां से मूव होके इस साइड आए। एंड इस केस में नंबर ऑफ लिबरेटेड आइन्स कितने हैं, थ्री। सो कैथोडिक कंपार्टमेंट की साइड पे भी नंबर ऑफ लिबरेटेड आइन्स कितने रह रहे हैं, थ्री। सो इट मीन्स हमने अब तक तीन केसेस कर लिए, सबका कंक्लूजन क्या है, सेम ही है कि नंबर ऑफ लिबरेटेड आयन है जो वो सेम रह रहे हैं, ठीक है। सो ये था हमारा हिटॉफ्स थ्योरेटिकल डिवाइस। एंड इसके बेस पे दो कंक्लूजन हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो कंक्लूजन क्या है वो आप लिख सकते हो। फर्स्ट कंक्लूजन आप लिखो, इसमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकल के आ रहा है। देखो इसमें क्या हो रहा है, जो एनोड है, ठीक है, इस वाली साइड पे पॉजिटिव चार्ज है। सो पॉजिटिव जो आयन है वो मूव हो रहे हैं कैथोड की साइड से एनोड की साइड पे, ठीक है। सो इसमें अगर कैथोड के टाइम की कंसेंट्रेशन फॉल हो रही है एनोड वाली साइड, एनोड वाली साइड कंसेंट्रेशन अगर फॉल हो रही है तो वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, स्पीड ऑफ, किसकी स्पीड ऑफ, कैटायन, क्योंकि एनोड वाली साइड से कैटायन मूव होके उस साइड जाएंगे और कैथोड वाली साइड से एनाइन्स मूव होके इस साइड आ रहे हैं। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट कंक्लूजन। क्या कंक्लूजन है आप लिख सकते हो, फॉल इन कंसेंट्रेशन अराउंड एनोड। बताओ एनोड की कंसेंट्रेशन जो फॉल हो रही है वो किसके इक्वल है, इज इक्वल टू स्पीड ऑफ कैटायन, ओके, बिकॉज एनोड की साइड पॉजिटिव चार्ज है एंड एनोड की साइड से कौन मूव होके जा रहा है, उस साइड कैटायन। सो जितनी एनोड वाली साइड कंसेंट्रेशन फॉल होगी वो इक्वल होगी स्पीड ऑफ कैटायन से। एंड फॉलिंग कंसेंट्रेशन अराउंड कैथोड इज इक्वल टू स्पीड ऑफ एनाइन। सो दिस इज अगेन द इंपॉर्टेंट कंक्लूजन व्हिच इज डिराइव्ड फ्रॉम दिस। सो कैथोड की साइड से जो मूव होके आ रहे हैं वो क्या है, एनाइन। सो जितने उस साइड कंसेंट्रेशन ज्यादा फॉल होगी उतनी स्पीड क्या होगी, ज्यादा। सो इन शॉर्ट क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव आइंस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। सो एनोड पे पॉजिटिव चार्ज है, एनोड की साइड से पॉजिटिव चार्ज वाले मूव होके उस साइड जाएंगे। सो जितनी कंसेंट्रेशन फॉल होएगी एनोड की साइड वो इक्वल होएगी स्पीड ऑफ के टाइम के। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, ओके। सो दिस इज द फर्स्ट कंक्लूजन व्हिच इज कंक्लूडेड फ्रॉम हिटॉफ्स थ्योरेटिकल डिवाइस। सेकेंड कंक्लूजन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकेंड कंक्लूजन क्या है, सेकेंड कंक्लूजन ये है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द स्पीड ऑफ कैटायन एंड एनायन, चाहे दोनों की स्पीड सेम है चाहे दोनों की स्पीड में डिफरेंस है, बट जो नंबर ऑफ आयन लिबरेटेड हो रहे हैं दोनों कंपार्टमेंट की साइड वो क्या रह रहे हैं, सेम रह रहे हैं। सो आप एक लाइन लिख सकते हो कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द स्पीड ऑफ आयन the number of ions liberated on both the electrodes is equal. आप देख सकते हो first case में कितने ions liberated हो रहे हैं, two here and two on that side. Second case में कितने हैं, three here
and 3 on that side. And third case mein kitne hain? 3 here and 3 on that side. Now discuss the fourth case. Now iske pehle humne kya kiya hai? 3 cases kar liye hai. Case first and this is case second and this is case third. Now the case fourth arises when the electrodes are attackable. आप लिख सकते हो when the electrodes are attackable. So इसमें जो ये electrode है इस side वो क्या हो गया? Attackable. Okay? Now क्या हो गया इसमें? Electrodes जो हैं वो react कर रही है. इसमें जो electrode दी हुई है वो क्या है? सिल्वर की इलेक्ट्रोड है एंड जो ये सॉल्यूशन है दैट इज ऑफ सिल्वर नाइट्रेट. सो इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा कि ये सिल्वर पॉजिटिव एंड इसमें क्या होगा नाइट्रेट नेगेटिव. सॉरी सिल्वर में प्लस वन चार्ज आएगा और नाइट्रेट में माइनस वन चार्ज आएगा. सो इसमें जो ये कैटायंस है वो क्या है सिल्वर एंड जो ये एनायंस है वो क्या है नाइट्रेट आयंस. एंड इसमें जो इलेक्ट्रोड है वो क्या है सिल्वर. इस केस में जो हमारी इलेक्ट्रोड है वो क्या है अटैक एबल. इट मींस क्या होगा इनिशियल स्टेट हमारी सेम है. फोर पेयर ऑफ आयंस हियर फाइव पेयर ऑफ आयंस हियर एंड फोर देयर. ठीक है फर्स्ट केस था जो हमारा उसमें क्या हो रहा था इनिशियली सिर्फ एनायंस मूव हो रहे थे. दो एनायंस उस साइड से मूव होके इस साइड आ गए. ठीक है सो लिबरेटेड आयंस में कितने हैं टू. अब जो हमारा केस है ध्यान से समझना इस केस को. इसमें जो हमारी इलेक्ट्रोड है वो क्या है अटैकेबल. ये क्या है एनोड. सो एनोड पे क्या होती है ऑक्सीडेशन. ये सिल्वर ऑक्सीडाइज होके किसमें कन्वर्ट होगी सिल्वर पॉजिटिव में. ठीक है अब जो एनायंस इस साइड आए हैं वो इस सिल्वर के साथ रिएक्ट कर सकते हैं. मींस ये नेगेटिव जो आयंस हैं नाइट्रेट वो पेयर अप हो जाएंगे किसके साथ सिल्वर के साथ. बिकॉज ये इलेक्ट्रोड अटैकेबल है इसलिए जो ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है वो पेयर अप हो जाएंगे. आर यू गेटिंग माय पॉइंट. ये पेयर अप क्यों हो रहे हैं बिकॉज ये इलेक्ट्रोड अटैकेबल है. सिमिलरली ये जो एनायंस हैं वो पेयर अप हो जाएंगे. सिमिलरली थर्ड केस. सो द कंक्लूजन ऑफ द फोर्थ केस इज दैट व्हेन द इलेक्ट्रोड आर अटैकेबल. स्पेसिफिक केस लिया हुआ है हमने सिल्वर इलेक्ट्रोड का. उस केस में क्या हो रहा है आप देख सकते हो. इन तीनों केसेस में क्या हो रहा है जो एनोडिक कंपार्टमेंट है उस साइड जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है. ठीक है कंसंट्रेशन क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है. आप देख सकते हो यहाँ पे फोर पेयर्स थे इधर कितने हो गए सिक्स पेयर्स. इधर कितने हो गए सिक्स पेयर. इधर भी कितने हो गए फाइव पेयर्स. ओके सो ओवरऑल है चाहे फर्स्ट केस हो चाहे सेकंड केस हो चाहे थर्ड केस हो तीनों केसेस में एनोडिक कंपार्टमेंट की साइड जो कंसंट्रेशन है उसमें इंक्रीज हो रहा है. सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन. ओके नाउ अब हम क्या देख अगर हम कंपेयर करें केस फर्स्ट केस सेकंड और केस थर्ड. इसमें भी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है इस केस में भी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है और इसमें भी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है. बट किस केस में कंसंट्रेशन इंक्रीज ज्यादा हो रहा है अगर हम देखें जो सेकेंड केस था इसमें हमने सिर्फ किसकी मूवमेंट करवाई थी. नो व्हेन ओनली एनायंस मूव. इस केस में सिर्फ एनायंस मूव हो रहे हैं. और जो सेकेंड एंड जो थर्ड केस है उसमें क्या हो रहा है इसमें क्या हो रहा है जो फर्स्ट केस था हमने किया था उसमें क्या था सिर्फ एनायंस मूव हो रहे थे. और जो सेकेंड एंड थर्ड केस था इसमें क्या था कैटायंस और एनायंस दोनों मूव हो रहे थे. इसमें भी क्या था कैटायंस एंड एनायंस दोनों मूव हो रहे थे. ठीक है
जो सेकंड केस है उसमें सिर्फ एनाइंस ही मूव हो रहे हैं उस साइड से इस साइड, मींस इसमें केटाइन की मूवमेंट नहीं है। इस पर्टिकुलर केस में केटाइन है क्या, केटाइन क्या है, सिल्वर पॉजिटिव, ठीक है। सो इस केस में क्या है, कोई भी सिल्वर आयन एनोड की साइड से कैथोड की साइड मूव नहीं हो रहा है। लेकिन जो सेकंड एंड थर्ड केस है उसमें क्या हो रहा है, कुछ सिल्वर आयंस मूव हो रहे हैं इस साइड से एनोडिक की साइड, ठीक है। सो जो फर्स्ट केस है उसमें क्या है, व्हेन नो सिल्वर आयंस माइग्रेटेड, इस दोनों केसेस में क्या है, सिल्वर आयन माइग्रेट हो रहे हैं इस साइड से उस साइड। सो ऑल्दो तीनों में कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा, लेकिन जो सेकंड थर्ड केस है उसमें कुछ के टाइम मूव होके उस साइड जा रहे हैं। सो इधर जो कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा वो उतना नहीं होगा जितना फर्स्ट केस में होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, व्हाट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन टू यू। जब कोई सिल्वर आइंस माइग्रेट नहीं होंगे एनोडिक से कैथोडिक की साइड, तब जो कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा वो ज्यादा इंक्रीज होगा, ठीक है। बट जो एक्चुअल में कंसेंट्रेशन इंक्रीज होगा वो ये वाला होगा, बिकॉज कुछ तो के टाइम मूव हो के उस साइड जाएंगे ना, ये जरूरी तो नहीं है कि हमेशा सिर्फ एनाइन ही मूव हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। सो एक्चुअल जो इंक्रीज होगा कंसेंट्रेशन में वो इस केस में होगा। सो इसके बाद आप लिख सकते हो, आप इसके बाद ये लाइन लिख लो, हमारे पास अब क्या होगा, अब आपको सारी सिचुएशन इमेजिन कर सकते हो, आप सारी सिचुएशन कि हमने टोटल 13 पेयर्स लिए हैं, उसके बाद हमने तीन केसेस किए हैं, केस वन, केस टू एंड केस थ्री। उसके बाद हमने केस फोर लिया जब हमारी इलेक्ट्रोड अटैकेबल थी। जब जो केस फोर्थ लिया उसके बाद दो सिचुएशन हैं, क्या है इसमें, जब हमारे सिल्वर आइंस माइग्रेट कर रही है, व्हेन सिल्वर आइंस माइग्रेटेड, तब जो कंसेंट्रेशन इंक्रीज होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, जब नो सिल्वर आइंस माइग्रेट हो। फर्स्ट केस क्या है, केस फर्स्ट जिसमें सिर्फ एनाइंस मूव हो रहे थे, जिसमें सिल्वर आइंस माइग्रेट नहीं हो रहे थे। जब सिल्वर आइंस माइग्रेट नहीं हो रहे थे तब अगर एक्स ग्राम इक्विवेलेंट कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो रही थी इस वाली साइड, एंड उसके बाद क्या है, व्हेन सिल्वर आइंस माइग्रेट, जब सिल्वर आइन माइग्रेट हो रहे हैं तो ये जो कंसेंट्रेशन इंक्रीज है, दिस इज द एक्चुअल इंक्रीज इन कंसेंट्रेशन। सपोज करो इसकी वैल्यू कितनी होगी, वाई ग्राम इक्विवेलेंट। अब ये सिचुएशन आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। इस केस में सिल्वर आयन माइग्रेट नहीं कर रहे, और इस केस में जो कंसेंट्रेशन इंक्रीज होगी वो एक्स ग्राम इक्विवेलेंट होगी। जब सिल्वर आयन माइग्रेट कर रही है तब जो कंसेंट्रेशन इंक्रीज होगी वो वाई ग्राम इक्विवेलेंट है। और किसकी वैल्यू ज्यादा होगी, लेट मी टेल, इसकी वैल्यू ज्यादा इंक्रीज होगी। सो अगर ये हमारा फर्स्ट केस था, सपोज कर लो इसमें 10 इंक्रीज हुआ था, और जो सेकेंड केस है उसमें इंक्रीज कितना होगा, 10। ये जस्ट एक एग्जाम्पल है। सो इसके बाद ये लाइन लिखी हुई है, ये भी कंसेंट्रेशन का इंक्रीज हो रहा है, ये भी इंक्रीज हो रहा है कंसेंट्रेशन। उसके बाद जो कंसेंट्रेशन का फॉल होगा वो कितना होगा, फॉल इन कंसेंट्रेशन अराउंड एनोड। क्यों होगा कंसेंट्रेशन फॉल, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ड्यू टू माइग्रेशन ऑफ सिल्वर आइंस। कितना कंसेंट्रेशन फॉल होगा, विच इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है जी। हमारा फोर्थ केस था उसमें इलेक्ट्रोड्स अटैकेबल थी, सो उसमें हमेशा कंसेंट्रेशन इंक्रीज होगा, लेकिन इसमें कंसेंट्रेशन इंक्रीज जो होगा वो ज्यादा इंक्रीज होगा। इसमें कुछ सिल्वर आइन माइग्रेट होके उस साइड जा रहे हैं ना, इसकी वजह से कंसेंट्रेशन जो थर्ड एंड फोर्थ केस था उसमें कम इंक्रीज हुआ था, उसकी वैल्यू थी वाई, दोनों में इंक्रीज हुआ। और ओवरऑल जो कंसेंट्रेशन फॉल होगा अराउंड एनोड, क्यों कंसेंट्रेशन फॉल हुआ था, ड्यू टू माइग्रेशन ऑफ सिल्वर आइंस।
सिर्फ सिल्वर लाइन की माइग्रेशन की वजह से कितना कंसेंट्रेशन फॉल हुआ, उसकी वैल्यू क्या है, एक्स माइनस वाई। और कैथोड में जो कंसेंट्रेशन फॉल होगा वो किसके इक्वल होगा, ये है अराउंड एनोड, फॉलिंग कंसेंट्रेशन अराउंड कैथोड। अगर कैथोड में कंसेंट्रेशन फॉल होगा, उस साइड से कंसेंट्रेशन कम हो रही थी, किसकी, कैटायन की या फिर एनायन की, उस साइड से एनायन मूव होके इस साइड आ रहे हैं। सो जितनी कैथोड वाली साइड कंसेंट्रेशन फॉल होगी, उतनी कंसेंट्रेशन इंक्रीज होगी, इज इक्वल टू इंक्रीज इन कंसेंट्रेशन अराउंड किस साइड,